आ जाओ ये भी आ जाओ। फिर देखना भैया ਮੈਂ ਸਰ ਕਾਲਾ ਵੀ ਦੇਣ ਉਹਦੇ ਦੇ ਬਈ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇਣ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਹੋਇਆ ਚਲੇ ਸਗਨ ਕਾਲੂ ਇਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮੋਟ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ पुलिस कप्तान आनंद शर्मा के निर्देश पर थाना अधिकारी रामनिवास बिश्नोई ने नेतृत्व में एक टीम गठित की गई जिसमें करीब 8:45 बजे कगाऊ से तगाराम नाम के व्यक्ति ने फोन किया कि मैं बाड़मेर से कगाऊ जा रहा था और मेरे रिश्तेदारों का जीरा का पेमेंट था 10 लाख रुपये लेके जा रहा था। कगो और मालपुरा के बीच में बोलेरो सवार 4 व्यक्ति आए जिन्होंने मेरे साथ लूट की। तो घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। पीड़ित के बयान लिए गए, बयानों में कुछ विरोधाभास और संदिग्धता लगी तो गहनता से मतलब एक तरीके से पूछताछ की तो इन्होंने स्वयं ने घटना बनाना स्वीकार किया। लूट की घटना लूटी थी, इनके कोई ब्लैकमेलिंग का मामला था, महिला इनको परेशान कर रही थी और इन्होंने अपनी महिला मित्र को ये पैसे दे दिए थे और लूट की घटना रची थी। लूटी महिला मित्र के साथ क्या किस प्रकार से वो परेशान ब्लैकमेल कर रही थी ऐसी कोई बात? महिला मित्र और इसके काफ़ी पिछले 7-8 साल से संबंध थे और महिला को शादी का झांसा वासा दिया होगा या जो भी, इनको घर प्लॉट वगैरह पैसे मांगती रहती, बार बार पैसे डलवाता था खाते में। धीरे धीरे डिमांड बढ़ती थी, इस बार 10 लाख रुपये मांगे, मेरी बहन का प्राण हो गया उसको छुड़वाना है 10 लाख रुपये, जो इस तरीके से उसको ब्लैकमेल किया तो इसने ये पैसे आए हुए थे और महिलाओं को दे दिया। इस प्रकरण सर कितनी युवतियों को? 2 युवतियाँ हैं, एक पीड़ित है जो पीड़ित था तथाकथित, उसको गिरफ्तार किया। सर ये पैसे लूट के जो पैसे इन्होंने बताए थे वो पैसे आखिर किसने भेजे थे और किस चीज़ के पैसे? लूट के पैसे जो 10 लाख रुपये उनके पास थे वो किसने भेजे थे और किस चीज़ के पैसे? ये इसके परिवार में भाई है बाबूलाल उर्फ रामू राम, जिसने उंझा में जीरा बेचा था। उसके भाई का मकान है बाड़मेर में डूंगर राम के घर पे पैसे पड़े थे ये, और ये तगाराम दूध का काम करता है तो गांव से बाड़मेर आता है और बाड़मेर से गांव जाता है। तो उसने कहा जब तू गांव घर आए वापस तो ये मेरा पेमेंट मेरे भाई डूंगर के पास पड़ा, वो लेते आना। सर लूट के पूरे 10 लाख रुपये बरामद कर लिए गए। सर युवतियों के साथ ब्लैकमेलिंग की कोई नहीं, इस तरह का अभी तक प्रकरण सामने नहीं आया, इस तरह की कोई वारदात का स्वीकार नहीं किया है, फिर भी गहनता से अनुसंधान किया जाएगा इस समय। ठीक है सर।